पृथ्वी की सतह के 70% से ज्यादा हिस्से का हिसाब लगाने के बावजूद नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक हमारे महासागर का 80% अब भी अनमैप्ड, अनऑब्जर्व और अनएक्सप्लोर्ड है। ऐसे में ये हैरानी की बात नहीं कि वैज्ञानिक लगातार नई समुद्री विपरीत स्थिति का सामना कर रहे हैं। ब्राजील के एक थियोलॉजिस्ट लुइज रोचा के काम पर विचार करें, जिनका काम ट्वाइलाइट जोन में है, जो गहराई में 200 से 500 फीट के बीच है। रोशनी कम होने के साथ यहाँ तापमान भी ठंडा है। ऐसी जगह पर उन्होंने 30 से ज्यादा नई प्रजातियों का खुलासा किया। हाल ही में एक और पानी की दुनिया की खोज हुई, जिसे TOI-1452b नाम मिला। एक ऐसा प्लैनेट जो बड़े ग्लोबल लिक्विड ओशन को दर्शाता है। शोधकर्ता इस पानी के अजूबे को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से एकदम करीब से देखना चाहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जिधर देखो उधर पानी। अगर ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो ये एलियन लाइफ के लिए भी जरूरी होगा, और हो सकता है शायद कि वे यहाँ हमेशा से रह रहे हो। सबूत हमारे पास है, लेकिन क्या हम इसे मानने के लिए तैयार हैं? पिछले कुछ सालों में अनगिनत UFO देखे गए, जिन्होंने हमें स्तब्ध कर दिया, और 75% मामलों में हमने उन्हें पानी के नीचे गायब होते देखा। ये भी अजीब है कि इनमें से ज्यादातर UFO देखे जाने की घटनाएं पानी के पास हुई। और ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि ये एक बार पानी के अंदर जाने के बाद हमारे रडार में नहीं दिखते। लेकिन आज हम UFO की बात नहीं करते, बल्कि बात करेंगे USO यानी अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज ऑब्जेक्ट्स की। और आप यकीन करें या ना, लेकिन ये इस ग्रह पर हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान की उपस्थिति के बारे में बताते हैं, फिर वो एक्स्ट्रा टेरिस्टोरियल हो या ना हो। लेकिन हमारा वीडियो देखने के बाद हम आपको इसका फैसला करने देंगे, तो बिना वक्त जाया किए चलिए इसे देखें। विज्ञान 360 में आपका स्वागत है। 2011 की गर्मी में खजाने की खोज करने वालों की एक जोड़ी पीटर लिनबर्ग और डेनिस एबर्ग अपनी ओशन एक्स डाइविंग टीम के साथ उत्तरी बाल्टिक सागर के नीचे शिकार पर गए। तभी अचानक उनकी सोनार इमेज ने एक ऐसी अजीब वस्तु पकड़ी जो बाद में बाल्टिक सागर विसंगति के रूप में जाने जाने लगी। एक अजीब 1000 फुट लंबा रनवे और एक अजीब वस्तु जो इसके पार फिसलती हुई महसूस होती है। बाल्टिक सागर विसंगति को गोताखोरों ने करीब से देखा, जहां उन्हें कदम और कंपार्टमेंट्स दिखे। अनजान चीज की सतह के नीचे सुरंगों और रास्तों की क्षमता और वस्तुओं की सोनार को ब्लॉक करने की काबिलियत। जब इन चीजों की तस्वीरें लेनी चाहिए तो पता चला कि उनके उपकरण बंद पड़ गए। सेंसर और फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स दोनों बेकार हो गए। रहस्यमय इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को परेशानी पैदा करने, हाल ही में चार्ज की गई बैटरियों को खत्म करने और चीजों को करीब से देखना नामुमकिन बनाने के लिए जिम्मेदार माना गया। विचित्र थ्योरी जिंदा है, इसलिए नहीं क्योंकि ये समुन्द्र की गहराई में उतरा कोई एक्स्ट्रा टेरिस्टोरियल स्पेस क्राफ्ट हो, बल्कि इसलिए क्योंकि ये एक गुप्त नाजी बंकर हो सकता है। साइमन एंड्रयूज, जिन्होंने पहली बार सुझाव लिखा था कि बंकर एक एलियन डिवाइस हो सकता है, जिसे बाद में माना गया कि ये एक गुप्त सैन्य परियोजना हो सकती है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर ने आगे बढ़ाया था। दावा किया गया था कि एक बंकर को समुद्र में उतारा गया था, लेकिन बंकर की मौजूदगी के अन्य दावों में इनमें से एक प्राचीन मंदिर या अटलांटिस भी शामिल है, इनका भी उल्लेख किया गया। इस बात की भी संभावना है कि बाल्टिक सागर विसंगति, जिसने दुनिया भर के विशेषज्ञों को स्तब्ध कर दिया, एक हिम नदी डिपॉजिट से ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि ये साफ नहीं है कि इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के पास जाकर काम क्यों नहीं करेंगे ये, और चीजें यही से अजीब हो जाती है। पीटर लिनबर्ग और डेनिस एबर्ग ने वस्तु की खोज के बाद वापस जाकर इसकी तस्वीर और नमूने इकट्ठा करने का फैसला किया। जब उनके गोताखोर गोता लगाने ही वाले थे, अचानक रीडिंग से पता चला कि वस्तु के ऊपर का तापमान, जो नॉर्मल कंडीशन में लगभग 6 से 7 डिग्री सेल्सियस होता है, वो शून्य के नीचे गिर गया। उस चीज के आसपास के तापमान में अचानक गिरावट की वजह क्या थी, ये अब भी पता नहीं चला। फिर भी गोताखोरों ने छलांग लगाई और 2 घंटे बाद समुद्र तल पर पहुंचे। जब उन्होंने उस वस्तु को छुआ जो उस बिंदु तक ठोस दिखती थी, वो काली हो गई।
गोताखोरों में हड़कंप मच गया। उन्होंने इससे पहले 2000 से ज्यादा गोते लगाए थे और ऐसा कभी नहीं देखा। इसके बाद वे एक नमूने के साथ जहाज पर लौटे, जिसका बाद में वैज्ञानिकों ने अध्ययन शुरू किया। उन्होंने पाया कि वो चीज बाहर से जली हुई थी लेकिन अंदर से ठंडी थी, जैसे कि जलती हुई वस्तु अचानक ठंडी जगह में घुस आई हो और इसीलिए उसके क्रिस्टल नहीं बढ़ सके। ये एक उल्कापिंड को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। हालांकि वैज्ञानिकों को लगता है कि ये ज्वालामुखी का अवशेष हो सकता है, लेकिन बाल्टिक सागर की गहराई के बीच में एक ज्वालामुखी अवशेष, ऐसा कैसे हो सकता है? इस चीज के आसपास की जगह वैश्विक सुर्खी बन गई और पीटर और डेनिस ने फिर से वापस जाने का फैसला किया और कुछ तस्वीरें और कुछ और नमूने इकट्ठा किए, लेकिन इसके लिए उन्हें फंडिंग की जरूरत थी। हालांकि जल्द ही मीडिया के माध्यम से खबरें फैलने लगी कि वस्तु और कुछ नहीं बल्कि चट्टान का एक टुकड़ा है। ये खबर फैलनी शुरू हुई और वस्तु के आसपास रुचि कम होती गई। निवेशकों ने अपनी फंडिंग बंद कर दी और पीटर और डेनिस को ईमेल पतों से मौत की धमकी मिलनी शुरू हुई, जिससे न केवल उन्हें बल्कि उनके परिवार वालों को भी खतरा था। ये कौन थे जो नहीं चाहते थे कि वे वहां जाए? वे कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम वस्तु की रहस्यमय उत्पत्ति के बारे में जाने? आप भी सोच में पड़ गए? जो कुछ भी पीटर और डेनिस के साथ हुआ बहुत दुखद है। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके उनकी पूरी कहानी देख सकते हैं। यदि आप उनका समर्थन करते हैं तो कृपया करें, क्योंकि उनके बिना हम कभी भी इस वस्तु के बारे में नहीं जान पाएंगे, ऐसा कुछ भी जो हमने कभी अपने पानी की गहराई में खोजा हो। बाल्टिक सागर विसंगति से आगे बढ़ते हुए रूस में बेकाल झील की ओर बढ़ते हैं, जो दुनिया में सबसे गहरा ताजा जल निकाय है। मछुआरे गहराई से आने वाली शक्तिशाली रोशनी और पानी से उड़ने वाली वस्तुओं के बारे में बताते हैं। 1982 में एक मामले में बेकल में सैन्य गोताखोरों के कैटी ट्रेनिंग के एक समूह ने चांदी के सूट पहने हुए मानवीय जीवों के एक समूह को देखा। इनका सामना 50 मीटर की गहराई में हुआ और गोताखोरों ने उनको पकड़ने की कोशिश की। ऐसा करते वक्त 7 में से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच हम सभी उन रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानते हैं जो बरमुडा ट्रायंगल के क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में घटी, जो बाद में अचानक बंद हो गई। अब समुद्र तल पर रहस्यमय छेद देखे गए हैं, जो वैज्ञानिकों को हैरान कर रहे हैं। इन छेदों को पिछले साल की शुरुआत में ओशनोग्राफर्स द्वारा खोजा गया था, जिन्हें पता नहीं चला कि छेदों को किसने बनाया या वे कैसे आए। हालांकि UFO एक्सपर्ट्स को यकीन है कि ये अजीब निशान एलियन के यात्राओं का सबूत है। हमें लंबे समय से शक है कि एलियंस रास्ते से बाहर रहने और अपनी शर्तों पर पृथ्वी की खोज करने के तरीके के रूप में समुद्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन स्पॉट को किसी अन्य तरीके से समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि वे रेगुलरली रिपीटिंग पैटर्न में बारीकी से अलाइंड है। उनके चारों ओर तलछट के छोटे ढेर है। नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के खोजकर्ता पोत के चालक दल द्वारा स्पॉट को खोजा गया, क्योंकि उन्होंने मिड अटलांटिक रीच की जांच की, जो समुद्र तल का एक अनएक्सप्लोर्ड रीजन है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। लेकिन ये पहली बार नहीं जब रहस्यमय स्पॉट को देखा गया। US नेशनल मरीन फिशरीज सर्विस के समुद्री वैज्ञानिकों ने भी 2004 में एक गोता लगाने के दौरान समुद्र तल में विचित्र गड्ढों को देखा था। NOAA के शोधकर्ताओं ने कहा, ये छेद पहले इस क्षेत्र में बताए गए हैं, लेकिन उनका मूल एक रहस्य बना हुआ है, जबकि वे मानव निर्मित दिखते हैं। छिद्रों के चारों ओर तलछट के छोटे छोटे ढेर देख लगता है जैसे उनकी खुदाई की गई थी। आपको क्या लगता है, एलियंस, प्राचीन प्राणी या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज? और आखिर में जो शायद सबसे पेचीदा, एक ऐसी चीज का मामला जो इंटरस्टेलर स्पेस से आई और अब प्रशांत महासागर की गहराई में है। साल 2014 में हमारे सौर मंडल से परे एक मेहमान जो पृथ्वी से बंधा हुआ है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमारे ग्रह पर जीवन हमेशा की तरह चल रहा था, जब उल्कापिंड हमारे वायुमंडल में घुस आता है। आसमान में एक आग के गोले की तरह दिखने वाला और पापुआ न्यू गिनी के तट से समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त ये हो जाता है। ये चीज बड़ी नहीं थी, लेकिन इसका महत्व बड़े पैमाने पर दिखा। एक इंटरस्टेलर मटेरियल पृथ्वी पर लाया गया, जो शायद अब हमारे पानी की गहराई में बेजान है।
अब पृथ्वी प्रतिदिन 50 मीट्रिक टन तक उल्कापिंड प्राप्त करती है और उनमें से अधिकांश वायुमंडल में जल जाते हैं, लेकिन जो नहीं जलते वे कंकड़ से बड़े नहीं होते और इसीलिए इनसे जीवन को कोई खतरा नहीं है। तो फिर 2014 की इस चीज में ऐसा क्या खास है? आप देखते हैं इस उल्का के बारे में जो ध्यान देने लायक है वो है इसकी हाई स्पीड और असामान्य दिशा जिस पर इसने हमारे ग्रह का सामना किया। लेकिन अगर कोई इसे ट्रैक नहीं कर रहा था तो हमें कैसे पता चला कि ये तेज गति से हमारी ओर आ रहा है? फॉरेन मिसाइल लॉन्चेस का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए क्लासिफाइड यूएस गवर्नमेंट सैटेलाइट के सेंसर इस आग के गोले के एकमात्र गवाह थे और जब वैज्ञानिकों ने इसके ट्रेजिक्टरी एंड स्पीड को कैलकुलेट किया तो उन्होंने महसूस किया कि इंटरस्टेलर स्पेस से आया है। अंतरिक्ष चट्टान की असामान्य हाई स्पीड और दिशा, क्या ये आपको कुछ याद दिलाता है? अगर ओमुआमुआ आपके जहन में आता है तो आप अकेले नहीं हैं। हैरानी की बात यह है कि एस्टेरॉयड के बारे में जानकारी को सरकार द्वारा तुरंत सार्वजनिक नहीं किया गया। सरकार को इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की उत्पत्ति को स्वीकार करने और इसे सार्वजनिक करने के लिए मनवाने के लिए आवी लोब और आमिर सिराज को 3 साल लग गए। कहानी अप्रैल 2019 में शुरू होती है जब ओमुआमुआ के डेटा के अध्ययन में आवी लोब 8 महीने से लगे थे, जिसे तब सौर मंडल का पहला इंटरस्टेलर विजिटर माना जाता था। यहाँ एक जानकारी है जिसे आप थामे रखना चाहेंगे, वो है ओमुआमुआ जो हमारे सौरमंडल में 87.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की तेज रफ्तार से यात्रा कर रहा था। सूर्य से पृथ्वी की दूरी पर कोई भी वस्तु लगभग 42 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। हमारे सूर्य के सापेक्ष एक असीमित हाइपरबोलिक ऑर्बिट में है, यानी कि ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा कब्जा करने के लिए बहुत तेज है। कोई भी चीज जो लोकल सेलेस्टियल स्पीड लिमिट से तेज स्पीड में यात्रा करती है वो भी बिना रुकावट के, तो उसे इंटरस्टेलर स्पेस में वापस जाना चाहिए। ओमुआमुआ का अध्ययन करने के बाद लोग को पता था कि नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज कैटलॉग में अन्य दिलचस्प वस्तुएं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने छात्र अमीर सिराज से संपर्क किया। कुछ दिनों के भीतर सिराज ने 2014 के उल्का को एक संभावित इंटरस्टेलर उल्का उम्मीदवार के रूप में पहचाना था, क्योंकि पृथ्वी में प्रवेश करने से पहले वस्तु की गति 60 किलोमीटर प्रति सेकंड के करीब थी। यहां सब कुछ बदलने वाला था। यदि सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज डेटा, जो साइंटिफिक कम्युनिटी से इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड डेटा से बना है, और अगर ये सही थे तो ये उल्का हमारे सौर मंडल का दौरा करने वाली पहली इंटरस्टेलर वस्तु बनने से ओमुआमुआ को रोक देगी। उन्होंने पीर रिव्यूड के लिए इस पर एक पेपर प्रस्तुत किया, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया और वैज्ञानिक समुदाय ने औपचारिक रूप से CNEOS 2014-0108 को इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के रूप में नामित करने से इनकार कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी पर उल्कापिंड के असर की गणना करने के लिए इस्तेमाल किए गए डेटा को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सैटेलाइट द्वारा जमा किया गया था और वस्तु के माप के सटीक मूल्यों को जाहिर करना बारीकी से संरक्षित रहस्य बन गया, क्योंकि अमेरिकी सेना ने अपने उपग्रह की क्षमताओं को दुनिया के सामने जाहिर करने से इनकार कर दिया। मायूस, आवी लोब और सिराज दूसरे प्रोजेक्ट पर चले गए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ भी हो, ये तो अभी शुरुआत है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और नासा के बीच पार्टनरशिप के लिए शुक्रिया। 3 साल बाद 2022 में घटना के बारे में बताने वाले डेटा को आखिरकार 1988 में वर्तमान दिन के बीच अमेरिकी सरकार के सेंसर द्वारा 900 से ज्यादा फायरबॉल्स के डेटा के रिकॉर्ड के साथ एक पब्लिक डेटाबेस पर शेयर किया गया। 2014 का उल्का अब ऑफिशियली हमारे सौर मंडल के बाहर से उत्पन्न होने वाली पहली जानी गई चीज है और इसके टुकड़े पानी की गहराई में डूबे हुए हैं। मन को लुभा गया? प्रोफेसर लोब ने भी यही सोचा, बल्कि उनका मानना है कि ये चीज एलियन टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा हो सकती है और इसीलिए वो प्रशांत महासागर के तल से चीज को वापस हासिल करने के लिए मुहिम की प्लानिंग बना रहे हैं। लोब ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा जारी रिपोर्ट में इस चीज के विस्फोट का हल्का वक्र दिखाया गया है, जिससे पता चला कि मटेरियल की ताकत लोहे से ज्यादा सख्त थी। वही ये बाकी सभी अंतरिक्ष चट्टानों के मुकाबले कठोर थी, जिसमें से 272 को पहचानने में अमेरिकी सरकार को करीब 1 दशक का वक्त लगा।
यानी इसमें कुछ असामान्य रहा होगा। यकीनन ये उन चट्टानों की तरह नहीं जो हमें सौर मंडल में मिलते हैं, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा सख्त है। याद रहे, आवी लोब एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी के सबसे सम्मानित वैज्ञानिकों में से एक है, और अगर उनका मानना है कि वस्तु एलियन तकनीक है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि ये उनमें से एक हो। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।